14 साल पहले मतलब एसआरए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी करके एक प्रोजेक्ट लाया गया था हमारी कम्युनिटी में। सो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो स्लम्स है उसको हटाकर उन लोग के लिए एक बिल्डिंग बना कर देती है जो काफ़ी अच्छा होता है, जो मॉडर्नाइज्ड होता है, और उन लोगों को और फैसिलिटीज़ भी देती है। तो ये सब वादे किए गए थे हमारे लिए। मेरे मॉम डैड ने ना मतलब ज़िंदगी भर की कमाई जो थी उनकी, तो वो उन्होंने ना उस पैसे से घर ख़रीदा। तो घर ख़रीदने के बाद जब ये प्रोजेक्ट का काम चालू हुआ तो बाद में ये बोला गया कि ये जो घर है वो इल्लीगल है, तो ये स्लम एसआरए के प्रोजेक्ट में आता नहीं। 20 लाख रुपए कम नहीं है, जिंदगी भर मतलब कमाया गया तब वो जाके पैसा बना। मेरे घर पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। जैसे मेरे डैड मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे हमारे टूवर्ड्स, मेरे एडुकेशन पे भी इफेक्ट करता था, क्योंकि जब घर में नेगेटिव वाइब्स हो तो वो खुद में ही मतलब हमेशा परेशान करता खुद को कि मतलब कब ये चीज़ों से मैं बाहर निकलूँगा, कब मेरी खुद की चीज़ों के लिए मैं फाइट करूँगा। इसी चीज़ को एक सेल्फ प्रोजेक्ट लिया कि मतलब मेरे घर पे जो ये प्रॉब्लम चल रही है सारी को लेकर, उसको मैं और अच्छे से जानूँ, क्या मैं अपने घर को फिर से लीगलाइज कर सकता हूँ। एक सोशल वर्कर है जो एक्टिविस्ट है, जो हमारे लिए मतलब हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल, तो उनसे मिला, बात किया बहुत बार, तब जाके उन्होंने वेज बताए और हम लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल भी हैं कुछ जो बहुत हेल्प किया मेरे को उसमें, और आज मेरा घर बात रहे लीगलाइज्ड है।